जायका रेसिपीज़ किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको मूंग दाल और आलू के बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बताने वाली हूँ। बारिश के इस सुहाने मौसम में आलू और मूंग दाल के क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। दाल के पकोड़े नॉर्मल पकोड़ों से ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और जब आप मूँग दाल और आलू को मिलाकर ये पकौड़े बनाएँगे तो इनका स्वाद बहुत ही लाजवाब होगा। दोस्तों आज मैं आपको पकोड़ों के साथ हरे धनिया और नींबू की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी चटनी बताने वाली हूँ जो इन पकोड़ों के स्वाद को मैं चार चांद लगा देगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मूँग दाल आलू के चटपटे और मज़ेदार पकौड़े। मूंग दाल आलू के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है चलिए आपको दिखाते हैं। मूंग की धुली दाल आधा कप, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अगर आपके पास समय कम हो तो आप इसे 40 से 45 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें। आलू 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप कर लें। प्याज 1 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप कर लें। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2, धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून, जीरा आधा टीस्पून, ये ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डालें, नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार। तेल पकोड़े फ्राई करने के लिए 1 मिक्सर जार लें और इसमें दाल को डाल दें। साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। पानी इसमें कम ही डालें, अगर आप क्रिस्पी पकौड़े बनाना चाहते हैं तो पानी जितना हो सके कम डालें। हमारा दाल का पेस्ट बनकर तैयार है, अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लें। अब दाल के पेस्ट में बारीक चॉप किए हुए आलू डाल दें, साथ ही इसमें डालेंगे प्याज, हरा धनिया। हरे धनिया से पकौड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ज़ीरा इसमें ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डालें। और सभी पाउडर मसाले। अब इन सारी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। मूंग दाल और आलू के पकौड़े खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। दाल के पकौड़े नॉर्मल पकौड़ों से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। अब पकोड़े के मिश्रण में स्वाद अनुसार नमक डालकर चलाते हुए मिक्स कर लें। नमक सबसे आखिर में ही डालें क्योंकि नमक पानी छोड़ने लगता है और इस वजह से हमारा बैटर ज़्यादा गीला हो जाएगा। इतनी देर में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब पकोड़े के मिश्रण को हाथ से या चम्मच से तेल में डाल दें। गैस की आंच को मीडियम या मीडियम से थोड़ा सा तेज़ कर लें। पकोड़ों को तेल में डालकर कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहने दें। 1 मिनट बाद पकोड़ों को पलट दें। पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। हमारे पकोड़े दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लें। पकोड़ों का तेल झाड़कर प्लेट में निकाल लें। बाकी के सभी पकोड़े भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें। हमारे आलू मूंग दाल के सभी पकोड़े बनकर तैयार है। अब इनको और ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने के लिए हम इनके साथ हरे धनिया और नींबू की चटनी पीसते हैं। हरे धनिया की चटपटी व खट्टी चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है चलिए आपको बताते हैं। हरा धनिया थोड़ा सा, इन हरे धनिया को मैंने डंडी समेत लिया है क्योंकि इनकी डंडियों में भी काफ़ी खुशबू होती है। हरी मिर्च 2, लहसुन 4 कलियाँ, नमक छोटा आधा टीस्पून, नींबू आधा, अगर आपका नींबू छोटा हो तो आप 1 ले लें। हरे धनिया को तोड़कर जार में डाल दें।
साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च के भी दो टुकड़े कर लें, लहसुन और नमक। आप जब भी नींबू की चटनी पीसें तो नींबू को अभी डाल दें। अगर हम पीसने से पहले चटनी में नींबू डालकर पीसेंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें एक टेबल स्पून पानी डालकर चटनी को बारीक पीस लें। हमारी हरे धनिया और नींबू की बहुत ही मज़ेदार चटपटी व खट्टी चटनी बनकर तैयार। मूंग दाल और आलू के मज़ेदार और टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार हैं। इन मज़ेदार पकौड़ों को हरे धनिया की चटनी और टमाटो केचप के साथ मज़े ले लेकर खाएं और सभी परिवार वालों को भी खिलाएं।